और आजकल हमारे सुनियों के स्टेजों पर बैठने वाले कईयों के अंदर ये मर्ज आ गया है, और अगर यहां भी कोई हो तो मुझे बताइए ताकि मैं फिर चंगी तरह दवाई देवा। लगता नहीं है मुझे कोई यहां है, मैं खुली बात करने वाला बंदा हूं। हजरत हुर, जिसको हम हजरत हुर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, क्यों सुनो, 10 मुहर्रम का जब दिन शुरू हुआ, जंग शुरू हो, तीर फेंक दिया गया और कांपने लग पड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। उसके साथ एक दोस्त खड़ा था, कहता तू तो बड़ा जंगजू है, बड़ा पहलवान है। उसने कहा पहलवान जरूर हूं पर शैतान नहीं। नहीं पाया जुमले दा बोल, नहीं पाया सुनियो, बोलने वाली गलों से ढिले ना होया करो, अपना अपना जरा मां का दुध पीता जी, अज हलाल करके जाना इस जुमले से। उन्हें आख्या मैं पहलवान जरूर हूं पर शैतान नहीं। उसने कहा क्या हुआ, कहता तुम्हें शर्म नहीं आती हुसैन के साथ लड़ते हो, मुझे तो तुमने रास्ता रोकने के लिए इसलिए भेजा था कि हम मुजाकरात करेंगे, पानी पंप किया मैं तब भी बैठा रहा, क्या हो सकता है मुजाकरात करें, ये बदमाशी क्या है। उसने कहा अब क्या करेगा, कहता बताता हूं। उसने अपनी सवारी भगाई, इमाम हुसैन के पास आ गया, कहने लगा हुसैन मुझे माफी मिल सकती है। अगले जुमले से मठा कोई ना बोले, इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाया कल्ली माफी नहीं, माफी भी देंगा तो जन्नत भी देंगा। हाय हाय, 5-7 बंदे आले आते रहे, जूमी साहब ताड़ी कुंबड़ी दे पकड़ो के बैठे जरा। आपने फरमाया माफी भी देता हूँ जन्नत भी देता हूँ, मेरे जुमले का कत्ल न करना अकीदे का जुमला है। आज लोग बढ़ चढ़ के बयान करते हैं कि होर जन्नती है, मैंने कहा मैं बताता हूँ कल्ला होर नहीं, होर का भाई भी आया था, होर का गुलाम भी आया था, और यकीनन जो हुसैन की तरफ आया वो जन्नत में गया। पर मुझे एक बात बताओ, हुजूर के सहाबा का भौंकने वालों बचाओ, जो होर यजीद का लश्कर छोड़कर हुसैन के पास आ जाए अगर वो जन्नती हो सकता है, तो जिस अबू सुफियान ने कुफर को छोड़कर मुस्तफा के कदमों में आना पसंद किया वो जन्नती क्यों नहीं है। आगे बोलो सुभान अल्लाह सारे प्यार के साथ। इमाम हुसैन से माफी मांगी नबी पाक ने, हजरत इमाम हुसैन ने दे दी। अबू सुफियान ने भी जो कुछ किया था जब मुस्तफा ने माफ कर दिया, छोड़ दिया, तू नहीं माफ कर सकता, अपनी हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस जुमले का जवाब है जम के भी नहीं दे सकता। और जो सुन्नी है, अगर किसी के जेहन में कोई छोटा मोटा सवाल जिमें डब्बे पीरां तो 2 नंबर मौलवियां पाए ने, जी आया भी होगा तो आज निकल गया होगा, भाई जो हुसैन के पास आके माफी मांग ले अगर उसका ये मकाम है, तो जो मुस्तफा के पास आ जाए जो हुसैन का भी नाना है, बंदे ने पुत्र बनाओ, गंदे अकीदे नूं प्रोमोट ना करो, 1 नंबर अकीदा दे के जाओ।